तो दोस्तों, कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं कि आईटीआई, पॉलिटेक्निक और पारा मेडिकल का कंसेप्ट हमें क्लियर करना है। तो वैसे स्टूडेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो बनाए हैं दोस्तों। ये वीडियो फिजिक्स का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो चाहते हैं कि कंसेप्ट क्लियर कर सके। तो आइए दोस्तों, उसके लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बने रहना, तभी जाकर के आईटीआई, पॉलिटेक्निक और पारा मेडिकल का कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। उससे पहले आप सभी को बता दें दोस्तों कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से अगर कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हैं तो आपको एक एक क्वेश्चन याद करना होगा और समझना होगा, तभी जाकर के आपका कंसेप्ट जो है अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा एंट्रेंस एग्जाम 2020 के लिए, चाहे वो आईटीआई हो, पॉलिटेक्निक हो या फिर पारामेडिकल हो। तो आइए दोस्तों, क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। उससे पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है दोस्तों कि वीडियो को अब तक लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो कहा जा रहा है दोस्तों, जल में तैरना न्यूटन की गति के कौन से नियम के कारण संभव है। जल में तैरना न्यूटन का कौन सा गति के कारण संभव है, तो न्यूटन के तृतीय नियम के कारण संभव है। याद रखिएगा दोस्तों, ये सब वीवीआई क्वेश्चन है और वन लाइनर क्वेश्चन उसे कहते हैं जो आपको एक लाइन में आंसर मिल जाता है, उसी में आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, उसे वन लाइनर क्वेश्चन कहते हैं। अगर कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हैं तो वन लाइनर क्वेश्चन को आसानी पूर्वक देखें और समझें और याद करें, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो सके। चलिए दोस्तों, आगे देख लेते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न है, कृष्णा क्षेत्र सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था। कृष्णा क्षेत्र सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था, एस चंद्रशेखर ने। किसने? एस चंद्रशेखर ने। आगे देख लेते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न है, ज्योति फ्लक्स किसका मात्रक है। ज्योति फ्लक्स जो है ल्यूमेन का मात्रक है। किसका? ल्यूमेन का। ये सब वन लाइनर क्वेश्चन, आपका सिर्फ कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ताकि आसानी से कोई भी एग्जाम में जाकर के जवाब दे सकते हैं। चौथा नंबर प्रश्न, कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती। कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती, तो ध्वनि तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती। आगे देख लेते हैं। पांचवा नंबर प्रश्न, मानव आंख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है। मानव आंख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है दोस्तों? वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। याद रखिएगा, टोटल वीवीआई क्वेश्चन है आपका, आईटीआई, पॉलिटेक्निक और पैरामेडिकल का एग्जाम होने वाला, उसमें पूछे जाने वाला है। तो छठा नंबर प्रश्न है, आँख के किस भाग द्वारा आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है। किस भाग पर नियंत्रित होती है, तो आँख के आयरिस भाग पर नियंत्रित होती है। आगे देख लेते हैं। सातवां नंबर प्रश्न है, जब प्रकाश की तरंगें वायु से कांच में होकर गुजरती है तब केवल किससे परितर प्रभावित होंगे। किससे परितर प्रभावित होंगे, तो तरंग दैर्ध्य तथा वेग से। किससे? तरंग दैर्ध्य तथा वेग से। आगे देख लेते हैं। आठवां प्रश्न है, पानी में डुबोई एक छड़ी किसके कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है। किसके कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है, प्रकाश अपवर्तन संवृत्ति के कारण। किसके कारण? प्रकाश अपवर्तन संवृत्ति के कारण छड़ जो है मुड़ी हुई दिखाई देती है। याद रखिएगा दोस्तों, ये सब सारा क्वेश्चन पूछा जा चुका है पिछले बार एग्जाम में। नौवां नंबर प्रश्न है, किसी तुल्यकाली उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है। ऊंचाई लगभग कितनी होती है, 36,000 किलोमीटर। कितना है? 36,000 किलोमीटर लगभग ऊंचाई होती है। दस नंबर प्रश्न है, जब कोई वस्तु दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो तब बने हुए प्रतिबिंबों की कितनी संख्या होगी। कितनी संख्या होगी? अनंत संख्या। कितनी? अनंत। बहुत सारे जो है प्रतिबिंब बन सकती हैं, अनंत संख्याएं होती है। ग्यारहवां प्रश्न है, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र प्रयोग किया जाता है। किस यंत्र प्रयोग किया जाता है, महासागर में अगर कोई वस्तु डूब जाता है तो उसको पता लगाने के लिए, स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो सोनार यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ये सब क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है दोस्तों, आप सभी को रिपीट करा देते हैं, कंसेप्ट क्लियर करवा देते हैं, ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दे। और कितने सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं कि सौर परिवार यानी कि सोलर सिस्टम से पूरा क्वेश्चन निचोड़ करके एक वीडियो बना दीजिए, तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर हमें सोलर सिस्टम का एक न्यू वीडियो प्रोवाइड कर दीजिए, तो हम बना देंगे। तो बारह नंबर प्रश्न है, ट्यूबलाइट में व्यय ऊर्जा का लगभग कितने भाग प्रकाश में परिवर्तित होता है। व्यय ऊर्जा लगभग कितने प्रतिशत प्रकाश का अथी होता है, खर्च होता है, तो लगभग 60 से 70 भाग। कितना? 60 to 70, 60 से 70 भाग हो जाएगा इसका राइट आंसर। तेरह नंबर प्रश्न है, धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन किस प्रकार उचित है। धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन किस प्रकार उचित है,
तो ऊपर सफेद नीचे काला, क्या दोस्तों? ऊपर सफेद नीचे काला, ये राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। 14वां प्रश्न है, कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? कौन सी प्रक्रिया है दोस्तों? तो ध्रुवन प्रक्रिया जो है प्रकाश और ध्वनि में घटित नहीं होती है। कौन है? ध्रुवन। हाँ ध्रुवन होगा दोस्तों, ध्रुवन नहीं होगा, ध्रुवन। आगे देख लेते हैं। 15वां प्रश्न है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है? यानी कि बोला गया है दोस्तों कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है, तो 1/6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? 1/6। जैसे अगर आपका पृथ्वी पे भार 60 kg है, तो आपका चंद्रमा पे यही चल जाएगा कितना, 10 kg की। यानी कि 1/6 × 60 कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 10, यानी कि चंद्रमा पे आपका हो जाएगा 10 kg भार। चलिए आगे देख लेते हैं। 16वां प्रश्न है, चंद्रा एक्सरे दूरबीन का नाम किस वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया? चंद्रा एक्सरे दूरबीन का नाम है दोस्तों, किस वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया? तो एस चंद्रशेखर वैज्ञानिक के नाम पे, किस पे? एस चंद्रशेखर। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। 17वां प्रश्न, मनुष्य को ध्वनि कंपन की अनुभूति कितनी आवृत्ति सीमा में होती है? ध्वनि कंपन की अनुभूति कितनी आवृत्ति सीमा में होती है? 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक। कितना से लेकर के? 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक। चलिए आगे देख लेते हैं। 18वां प्रश्न है, कुलिज नालिका का प्रयोग कौन सी किरणें उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? कुलिज नालिका का प्रयोग कौन सी किरणें उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? एक्स किरणें का प्रयोग किया जाता है। किसका? एक्स किरणें का उत्पन्न करने का प्रयोग में किया जाता है। दोस्तों वन लाइनर क्वेश्चन आपका कंसेप्ट क्लियर अच्छी तरह से कर देगा, बशर्ते आप क्वेश्चन को आसानी से बारीकी से पढ़ें और समझें। 19वां प्रश्न है, जब जर्मेनियम जाली में आर्सेनिक परमाणु डाले जाते तो वह क्या बन जाता है? वह क्या बन जाता है? बाह्य सेमी कंडक्टर। क्या बन जाता है? बाह्य सेमी कंडक्टर। चलिए आगे देख लेते हैं। 20वां प्रश्न कह रहा है कि दूर की वस्तुओं के निरीक्षण के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? दूर की वस्तु को अगर देखना है, उसको जांच करना है, तो किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो दूरदर्शी प्रकाशीय। क्या दोस्तों? दूरदर्शी प्रकाशीय यंत्र का प्रयोग किया जाता है। आगे देख लेते हैं। 21वां प्रश्न बोल रहा है दोस्तों, निकट दृष्टि कोण दोष दूर करने के लिए कौन से लेंस का उपयोग में लाया जाता है? निकट दृष्टि कोण दोष दूर करने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है? तो नदोत्तर। क्या दोस्तों? नत्तोदर। क्या दोस्तों? नातोदर लेंस का प्रयोग में लाया जाता है, नातोदर। चलिए आगे देख लेते हैं। 22वां प्रश्न कह रहा है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से द्रव्यमान की कौन सी राशि प्राप्त की जाती है? संवेग और वेग के अनुपात से द्रव्यमान की कौन सी राशि प्राप्त की जाती है? भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। ये सब सारे 11th में पढ़ा जा चुका क्वेश्चन है दोस्तों, तभी तो जाकर के आपका ITI पॉलिटेक्निक और पैरा मेडिकल के एग्जाम में आसानी से पूछा जाता है ये सब क्वेश्चन। इसीलिए हम सोचे कि आज आप सभी के बीच वन लाइनर क्वेश्चन ही प्रोवाइड करें। दोस्तों 23वां प्रश्न है, चश्मा प्रयुक्त करने वाले व्यक्तियों को सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग है कि उन्हें क्या पहने रहना चाहिए? उन्हें क्या पहने रहना चाहिए? चश्मा। सिंपल सी बात है, अगर कोई इंसान का अगर आँख कमजोर हो गया तो उसमें क्या चीज़ का सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाता है? तो यही चश्मा हमेशा प्रयोग करना चाहिए, पहने रहना चाहिए। 24वां प्रश्न है दोस्तों, प्रकाश के प्रकारों में से नीला और लाल पौधे द्वारा क्या होता है? प्रकाश के प्रकारों में से नीला और लाल पौधों द्वारा क्या होता है? तीव्र अवशोषण। क्या होता है? तीव्र अवशोषण। तीव्र कहें तो तेजी, तीव्र अवशोषण होता है। आगे देख लेते हैं। 25वां प्रश्न है, किसको नाली में तंतु को गर्म करके पैदा करते हैं? किसको नली में तंतु को गर्म करके पैदा करते हैं? श्वेत प्रकाश। किसको? श्वेत प्रकाश पैदा करते हैं। 26वां प्रश्न कह रहा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग किसको बनाने में किया जाता है? किसको बनाने में उपयोग किया जाता है? जनित्र को। क्या है? जनित्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। 27वां प्रश्न है दोस्तों, लगभग 20 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर किसके माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी? किसके माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी? लोहा। किसका? लोहा। चलिए आगे देख लेते हैं। 28वां प्रश्न, नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है?
कोई आंख में अपना नेत्र दान करता तो उसके आंख के किस हिस्से को प्रतिरूपित किया जाता है? कॉर्निया को प्रतिरूपित किया जाता है। किसको? कॉर्निया को प्रतिरूपित किया जाता है। 29वां प्रश्न कह रहा है, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? प्रकाश की गति अगर तेज है तो किस माध्यम में जाएगी? तो आपका प्रकाश की गति क्या हो जाती है? धीमी, यानी कि न्यूनतम हो जाती है। तो वो कांच है। क्या है? कांच। चलिए 30वां प्रश्न कह रहा है, मानव की आंख वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनती है? मानव की आंख वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनती है? रेटिना भाग पर। दोस्तों आप सभी को बता दें, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि अब इस चैनल के माध्यम से आपका रेगुलर क्लास चलने वाला है ITI पॉलिटेक्निक और पैरामेडिकल का। तो दोस्तों चैनल पे बने रहे, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।